वचन दास गुरुदेव के ये जी धरूं चरणों में ध्यान, सुधामा बिहाली ला कहूं सुदेव सरस्वती ज्ञान। रंक में रटता हरी फेर हुआ धनवान, नारायण सिंह कविता लिखे सो कीरत करे बखान। मेरे भगवत प्रेमियों आइए, ये मैं कमल कैसेट के माध्यम से और सुधामा की दूसरी शादी कहने के लिए जा रहा हूं। मेरे भगवत प्रेमियों, पहले जो रंक था गरीब था तो भगवान कृष्ण का स्मरण किया तो उन्होंने धनवान बना दिया, और धनवान होने के बाद सोचने लगा अरे जे मैल खजाने किस काम के हैं, मेरे कोई संतान तो नहीं है, और बिना संतान के और हमारे चौथेपन का कोई सहारा नहीं। भैया आगे सुधामा क्या करता है सुनिए इस कैसेट के माध्यम से के सुमिर श्री भगवान गुरु को सी सुनवाता हूं। भैया रामवीर जमके ये सुमिर श्री भगवान गुरु को सी सुनवाता हूं। सुधामा ब्याह की लीला पंचो गाई सुनाता हूं। भगवत प्रेमी और ध्यान, कथा में कहां लेके चल रहा हूं, हमेशा तुम देख लो कि जो लोग गरीब होगा वो भगवान को पहचान के चलेगा, और जब धनवान हो जाता है तो वो सुतई भगवान को भूल जाता है। आज देखिए मेरे भगवत प्रेमियों, सुधामा पर जब धन हो गया तो अब वो संतान की लालसा करने लगा। अरे प्रभु मेरी पूरन कीजिए आस, सब स्रोतन को है राम राम मैं हूं चरणों का दास। सोच रहा है कि मेरा चौथापन आ गया और मेरे कोई संतान नहीं, तो क्या हुआ, दुखी सुधामा है रहो ये जी जपे हरि को नाम, बिना पुत्र के जगत में सुफी का है सब काम। सुधामा सोचने लगा ये धन दौलत माल खजाने सब बेकार है बिना पुत्र की। भगवान कन्हैया का स्मरण किया, हे कन्हैया तुमने मेरी गरीबी हटा दी तो क्या मेरी इस समस्या को नहीं हटा सकते। कहा बोलो, अरे एक दिना की बात सुनो ब्रजनाथ, गरीबी भारी और बिना अन्न के नाथ, अरे रही भूखी नारी हमारी। भैया वो भी दिन मुझे याद है, मेरे पर इतनी गरीबी थी कि हमारी नारी भूखी रहती थी। ये कन्हैया वो भी पता तूने हर ली तो आज
इस भी समस्या को हर लो। अरे स्वामी ये तो तुम्हारे दाएं बाएं हाथ का खेल है, एक संतान दो हमें। ए कहां तक करूं बखान, सुनो भगवान कहत ना जावे कहत नहीं जाई। नहीं तन पे कपड़ा ना सरे मेरी नारे बहुत शरमाई। सुधामा रो रो कर भगवान को पुकारने लगा, एक कन्हैया वो बेपता तूने ही हर ली, आज कन्हैया इस काम को और कर दे। बेदिन की मुझे बात याद आती है तो कन्हैया आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे कन्हैया अब तू मेरी पुकार सुन ले, कहा बोलो। धन दौलत मुझको दई तुमने नंद कुमार, बिना पुत्र के सामरे सब दौलत बेकार। हे कन्हैया आज तू मेरी इस दीन आवाज को सुनकर और तू मेरी विपता को और हर ले। स्वामी मुझे एक पुत्र की जरूरत है। जब सुधामा कृष्ण को भामिनी को दुख घोर, बाल मुसे करने लगी सुन जकर दोनों चोर। भैया सुधामा तो दुखी हो ही रहा था तब तक उनकी नारी सुशीला आ गई और बोली, स्वामी आज एक बात मेरी सुनो। हाँ हाँ सुनाओ प्रिय, क्या बात है? हे स्वामी अब तो गांव वाले नर नारी मुझसे ताने देते हैं, मुझसे बांझ कहते हैं। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों दोनों का विचार एक ही मिला। भामिनी कहा बोली अपने पिया सुधामा से कि फसी माया की फंद, ए फसी माया की फंद, कहे बालम से प्यारी के, कहे बालम से नारी ये, सैया सुनो लगा कर कान बांझ मुझ कहती नारी जी। आज बिचारी रो पड़ी, कहने लगी स्वामी अब तो नगर निवासी नर नारी मुझसे बांझ कहते हैं। सुदामा ने कहा कहे प्रिय कहने तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं पिया सुनो, एक कुंदा के बीच बाज मुझे कहते नर नारी, बाज मुझे कहते ही नारी, तेरा मुंह देख कन बना धर्म न जन्म तारी। सुधामा बोले प्रिय आप इस चिंता को हटा दो। अरे ये तो विधि की गति किसी ने नहीं जानी, ये हाथ की बात नहीं। अरे हमारे पुत्र नहीं है तो कहां से आ सकता है पुत्र, बांझ तो कहेंगे ही। जवाब दो नहीं पिया कोई यतन सोचो। सुन गोरी के बेन पिया ने वचन सुनायो है, पिया ने वचन सुनायो है, प्यारी मन में धारो धीर लिखो तक धीर न बारो है। हाथ की बात नहीं। नारी ने जवाब दो पिया अरे यतन कुछ सोचो। कहा बोली आए पति मेरी है रई घुआरी,
नहीं देते। नगर निवासी मुझसे बाज कहते हैं, हे स्वामी आप सोचो। सुदामा ने जवाब दो, प्रिय ये कोई हाथ की बात नहीं, अरे इसमें मैं क्या कर सकता हूं। क्यों रोती हो तुम, आए नारी बो यसी यसी रोते, नैनन ते बरस जाके नीरा। अरे नाई को बल मनाई नारी, अरे नाई को बल मनाई नारी, नहीं कोई पिता न मेहतारी। आज मेरे भगवत प्रेमी रो रो के कहने लगी, न तो कोई बल है न नारी है, न कोई पिता न मेहतारी। ये पिया क्या करूं। सुधामा बोले, हे प्रिय क्यों पागल हो रही है। अरे नहीं कोई सुता और नारी, ममता की बंध गई है लकीरा। इस प्रकार से आज सुधामा ने समझाया है, प्रिये क्यों तुम जिद कर रही हो और कहना क्या चाह रही हो सो कहो। अरे सुन, लाखों कुनबा हो पुत्र, कितना भी कितने भी पुत्र हो, लेकिन हे प्रिये कोई किसी की सेवा नहीं करता। भैया एकदम से सुधामा बोले, सुनो प्रिये तुम कहना क्या चाहती हो सो कहो। कहे तो सुधामा नारी से बार बार समझाई, ममता लागी पोत्र की एक समझ नहीं आई। समझ गए सुधामा, और सुधामा ने जवाब दो, हे प्रिय मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम क्या कहना चाहती हो सो कहो। तो बोली, सुनो पिया मैं कहना तो ये चाह रही हूं। सुनो, हां सुनाओ तो सही। एक करो दूसरो ब्याह बलम तुम, मानो बात हमारी है तेरो कह रही प्राण प्यारी है। तेरी बुद्धि खराब क्यों हो रही है। नहीं नहीं स्वामी सुनो, मेरी छोटी बहन कुआरी है, तुम ये ना सोचो कि तुम्हारा चौथापन आ गया। मेरी छोटी बहन है, उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगी। मेरी छोटी बहन कुआरी है, वो चंदा सी उजिया हो गई हो, मुझे ऐसे मालूम पड़ती है। अरे मेरा
चौथापन आ गया और शादी के योग में नहीं रहा। क्यों? मेरा चौथापन अब आयो के, मेरा चौथापन अब आयो के, मेरे शीश बुढ़ापो छायो के। इसलिए मेरी क्या दशा है, मेरा चौथापन आ गया, मैं शादी के योग्य नहीं। और कहा बोले रोके, ए भूरे पड़ गए बाल सी सकी हल रही नारी हमारी है, सब लोग हंसे से सारी है। इस प्रकार से आज वो सुशीला कहने लगी, हे पिया, जो मेरी छोटी बहन है वो अभी कुआरी है और मैं जाती हूँ अपने माता पिता के पास और तुम्हारी शादी करवाती हूँ। सुधामा ने जवाब दो, हे भामिन, तुम पागल क्यों हो रही हो? अरे हमारी बात मान ले, हम शादी के योग्य नहीं हैं, हमारा चौथापन आ गया। एकदम से वो इतने शब्द सुन करके भैया नाराज सी हुई। तस्धामा बोले, नाराज मती हो, सुनो, अरे सोती चून की बुरी, अब तो तुम कह रही हो कि शादी कर ले, लेकिन जब शादी हो जाएगी उसके बाद की तुम्हें मालूम है। ए सोती चून की बुरी, जहर की छुरी, नारी मेरी मानो मना करूं दूसरो ब्याह रे मती अपनी अपनी जानो, जवाब दो। आज तो तुम शादी की कह रही हो कि शादी कर ले, लेकिन मैं कहता हूं कि जब मैं शादी कर लूंगा तुम्हारी जो सौत आएगी वो तुम्हें बहुत परेशान रखेगी, चून की सौत तो बुरी होती है। और सुनो, आज तुम प्रसन्न हो रही हो फिर तुम दुखित तो होगी। कहा बोले, घर में सुन रही है ना, आहा सुन रही हूं, सुनाओ। तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता, वो तुम्हें घर से निकाल देगी, रोज रार मचाएगी, मान जा हमारी ख्वारी मत करवावे। ऐ है बानी सुन के बलम की ये जी गुस्सा है गई नारी, खड़ग हाथ में ले लयो सो मर वे भई तैयार। लोग तुम मेरी नहीं मानते हो तो मैं मर जाती हूं। आज मेरे भगवत प्रेमियों, हाथ में तलवार लेके खड़ी हो गई और गर्दन पे जमा ली। ऐसे ही हाथ पकड़ लो नारी को लीनी तेग छुड़ाई, कुमार लिखोला भाग्य में सो कहने लगी दुखियाई। सुधामा ने आगे बढ़ के और खड़ग को पकड़ लिया, क्या करती हो तुम, मेरी बात समझ में नहीं आती, छोड़ दो मुझे, मुझे मरना है। नहीं नहीं प्रिय, मरो मती, अरे तुम ये क्या सोच रही हो, कुमार जब हमारे भाग्य में नहीं है तो दूसरी शादी भी करवा दो तब भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं भैया, अरे ये कनमानी नारी बलम की,
बाबुल के घर आई रे। अरे रोए रोए रोदन करे अति भारी, कहत कही ना जाई रे, कहत कही ना जाई रे। भैया राम जी क्या कहना दत्ता, कचारी को पकड़ा, खड़ी हो करके चल दी और कहने लगी क्या अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं मर जाऊंगी। सामा सोच लगा कोई बात ना, अरे जाके कहने से कौन कर देगा मेरी शादी, जा कहां जा रही है चली जा, आज अपने पियर के लिए चल दी। और क्या किया रामवीर भैया, धन दौलत मेरे महल खजाने, सुन ले मेरी मेहतारी रे। भैया रामवीर क्या कहना भैया, अपने पिता से जाके क्या बोली, धन दौलत सबरे महल अटारी रे। हे मैया पार परोसने दे ये बोलने, मैया पार परोसने दे ये बोलने, ना तेरे एक वो तारी रे। रोए रोए रोदन करे यतवारी, कहत कही ना जाई रे। पड़ेगा मां बिटिया, अब देखिए बिटिया से कहने लगी कि बेटी ये धन दौलत तो हाथ की है, कमा सकते हैं धन, लेकिन संतान की कोई हाथ की बात नहीं बिटिया, नहीं हुई तो मैं कहा करूं। वो मैया सुन, मुझसे ये कहते हैं तू निपुत्री है, तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं, अरे इस धन का क्या होगा, कोई और खाएगा तेरी नाक हो जाएगी। सुन बिटिया के बचन हाजबू, रोई गई ये कदम माई रे। रोए रोए रोदन करे अति भारी, कहत कही न जाई रे, कहत कही न जाई रे। इस प्रकार से मेरे भगवत प्रेमियों, आज शीला की मैया कहने लगी बिटिया पुत्र किसी के हाथ की बात नहीं, पुत्र तो तेरे विधि देगा तो ही तो होगा, परमात्मा देगा तो ही खिला पाएगी। बिटिया ये हमारे हाथ की बात नहीं, चाहे तू रो ले चाहे कछु के ले। रही मैया सुन, ओ मेरी सुन ले मेहतारी, बेटी तो रोवे तेरी लाडली। हाँ मैया
पूछा, अरे का मर गई, बताओ बिटिया क्या बात है, माता मैं मर गई। ओ बिटिया रोना बंद कर दे, अरे ये तो परमात्मा के हाथ की बात है। बिटिया चाहे हम रोए चाहे तुम रो लो, संसार रोए, लेकिन पुत्र तो नहीं हो सकता। भैया हाँ हाँ खाऊं पड़ू तेरे पैया, सुन ले तू मेहतारी, ए छोटी बहन मेरी सोत बनाए दे, छोटी बहन मेरी सोत बनाए दे, घर में बेटी कुआरी बाको होई गोई पेश करी। मैया जो हमारी छोटी बहन है ना मुझसे, आहा उसकी शादी तू मेरे पति के लिए कर दे, मां मेरा वंश चल जाएगा। क्या कहा? हाँ हाँ मैया। अरे बिटिया तेरी खोपड़ी खराब तो नहीं? नहीं मैया नहीं, सुन धर्मावत मेरी प्राण प्यारी, अबई उम्र की बारी। ये बिटिया तू कह रही है, देखिए मेरी जो धर्मावती जो तुझसे छोटी बहन है तेरी, वो बिल्कुल छोटी है। कहा बोली मैया, धर्मावती मेरी प्राण प्यारी, अबई उम्र की थोरी, सगा सुधामा है वो बिल्कुल बुढ़ा है, धर्मावती जो मेरी छोरी है तेरी बहन उसकी वाली उम्र है, बिटिया जोड़ नहीं मिलेगो। ऐह क्या बोली। अब मैया को छोड़ करके और कहां पहुंची, बुद्ध दच्छे हैं पिता कुमारी को के न लगी हसीबानी, दक्ष है पिता कुमार को कहना लगी समझाई, ये धर्मावती के संग सुधामा की, धर्मावती के संग सुधामा की ब्यावरे दियो रचाई, कह रहो कीरत को करी बेटी तो रोवे तेरी लाडली। इधर वो सुशीला पिता के पास गई और पिता से कह लगी, पिताश्री मेरे कहने से जो हमारी धर्मावत मेरी बहन है जो मुझसे छोटी है उसकी शादी और मेरे पति के साथ कर दो, इससे हमारा वंश चल जाएगा। ऐ हमेशा ये भी बात बता दें, पिता की कुछ आत्मा बिटिया के लिए बहुत होती है, मैया से भी अधिक होती है। पिता बोले धर्मदत्त, बुद्ध दक्ष जो पिता थे यानी सुशीला के, वो कहा बोले, बिटिया कह तो तू ठीक रही है लेकिन तेरी मैया नहीं चलन देगी, लेकिन तू दुखित मत होए। कहा बोले, चल मैं तेरे साथ वहीं चल रहा हूं। बाबुल कोले संग में चली सुशीला नारी, नगर देवगिरी
देखे नजर पसार। आज अपने पिता को संग में लेकर के और अपने मान लीजिए ससुराल के लिए चल दी, यानी पिता को संग में लेके अपने घर के लिए चली। और यह भी बात बता दें, सुधामा के जो नगर का क्या नाम था आज तक आप लोगों ने भागवत में भी नहीं सुना होगा, देवगिर नाम था उस गांव का। देवगिर में आए तो जो नजदीक आते ही और भैया पूछन लगे कौन बुद्ध दक्ष जो कुमार के पिता थे कि बिटिया ये कौन के महल बन रहे हैं। कहा बोली सुने बबोला हजारी कहे तेरी राज दुलारी भवन तो बने हैं तेरी धीया के। सुने बबोला हजारी कहे तेरी राज दुलारी भवन तो बने हैं मेरे पिया के। रामीर भैया गड़ी गड़ी के दत्ता, आज सुशीला ने बताया अपने पिता बुद्ध दक्ष को, हे पिताश्री ये जो भवन बन रहे हैं जो वश्य हमारे ही हैं। और कहा बोली कंचन के ये महल यटा पिताश्री कुछ नहीं हो सकता। संपत्ति है भारी नहीं है एक यो तारी भाग्य तोरे फूटे तेरी धीया के। सुने बबुला हजारी कहे तेरी राज दुलारी भवन तो बने है तेरी पिया के। उसको मेरे यहां कर दो। कहा बोले भैया बुद्ध दक्ष मत घबराबे मेरी कुमारी तेरा सुनेंगे तेरी कृष्ण मुरारी। बिटिया क्यों घबराए रही है, गिरधर बोधारी गिरवर बोधारी दीनन दुखटारी भात तो दियो है नरसी धी। तू सुने बबुल हजारी कहे तेरी प्राणन प्यारी भवन तो बने हैं तेरी धी के। अपने पिता को समझाया तो पिताश्री एकदम से सोचने लगे और कहा भाव भैया बेटी दई समझाई के एजी लयो सुधामा टेर टी को दियो चढ़ाई के सुपलक करी न देर। भैया आज बुद्ध दक्ष ने अपनी कुमार सुशीला के शब्द सुन करके और बिल्कुल व्यवहार न करी। बूढ़ो सुधामा बुला लो इधर आओ
और भैया टी को चढ़ाए दो राम वीर बूढ़े को। माया में तो बहुत ताकत तो होती है श्याम वीर भैया। ऐ बूढ़े को ब्याह है रो वो सुन लो कैसे। ए देखो चौथी पन की बात, हाँ आज चौथी पन की बात, सुधामा की पड़ रही भाव मेरी या। ए, देखो चौथी पन में चढ़ाओ शादी यानी ब्याह बनवाओ। और भैया बरात की तैयारी है गई रामवीर, अब चल रहे सुन ले बूढ़े पनम ब्याह है रो। भैया रामवीर कैसो कैसो भेष बन रहो, बाल शीश के भूरे पर रहे पिचके दोनों गाल, बाल शीश के भूरे पड़े रहे पिचके दोनों गाल, मुंह में दांत एक नहीं जाके, मुंह में दांत एक नहीं जाके, सुकरी गई है खाल। भैया को ब्याह है रो भैया, और सवरे कहने लगे भैया ओ जाए शर्मा लग रही बूढ़े पन में ब्याह करवे में। काजी का कहने यार पैसा लाओ का है शर्म है। और का भाव रामवीर, संग बराती भारी भारी कछु बूढ़े कछु जवान, संग बराती भारी भारी कछु बूढ़े कछु जवान, भैया नर नारी सब मन में सोचे कैसी बनाई भगवान, सोचे अति छाई रहो, देखो ज्योति पन में आई सुधामा की बढ़ रही भामरिया। भामरे पर रही उसको कछु के लोग कहने लगे जो बरात के जो संग जाए रहे थे, मैंने कहले यार मड़ा इतना बूढ़े बूढ़े जइयो जवान को मन जइयो क्यों। अरे जब खुद बरना बूढ़ होए तो बूढ़े ही संग में जाओ, और जवानन के आगे जो बूढ़ो बुरो लगेगा तो एक काम करियो बाहर ही खानो खा लियो मंडप तो नहीं कोई जो बूढ़े बूढ़े जइयो। भैया सब कहने लगे हो भैया मानेंगे तुम्हारी बात। अब जो मान लीजिए बरात जहां पहुंची बेटी भाई के यहां, सुखा देखो दूल्हा को सब देख के सोच सोच रही जाए, जा बूढ़े के संग में क्यों रहे ब्याह रचाई। भैया जो बारात वहां पहुंची तो बुद्ध दक्ष के जो परिवार जन थे वो आए गए, अरे तेरी खोपड़ी खराब हो गई का क्यों, अरे जब बूढ़े के संग ब्याह क्यों कर रहा है, अरे ये तो कल मर जाएगा। और कछु का कह रही औरतें, हाय के दूल्हा बूढ़ो के, हाय के दूल्हा बूढ़ो के, जामे को न चतुर ने देखो, रामवीर भैया सभी तो थोते मैं ना ही कर रहा हूँ, रामवीर हमारा बहू ना मान लो ब्याह तीसरो कर वो चाह रहा हूँ। आए के दूल्हा बूढ़ो
जी कहा कह रहे सुधामा उन्हें घर ले आए, बड़े हिल मिल के रहन लगे रामवीर कछु गधनन के बाद। और उनकी जो नई मिश्रानी थी वो हट करने लगी, मैं भगवान शंकर की उपासना करूंगी। और ज्यादा श्रोताओं क्या कहूं, 7 वर्ष तक भगवान शंकर की तपस्या करी। तब उसके बाद धर्मावती जो छोटी रानी थी सुधामा की, उनके और भगवान शंकर ने वरदान दो के जाओ पुत्र तुम्हारे अवश्य होगो। भैया क्या हुआ, गर्भवती तब है गई धर्मावती सी नार, 9 महीना के बाद में सो जन्म राजकुमार। भगवान शंकर के वरदान से अब वो गर्भवती हो गई, 9 महीना के बाद बड़ा सुंदर पुत्र पैदा हुआ। और मेरे भगवत प्रेमियों उस पुत्र का नाम दीपक रख दिया। अब भैया कहा कह रही बे रामवीर के सूदे तो पड़ गए मेरे, ये रामवीर के सूदे तो पड़ गए मेरे सिंबू दया। ¡Gracias!
बांट रहा है, बाजे बजवावन लगो बहुत प्रसन्न है रो। गांव वाले जो जुड़ियाए रामवीर इधर क्या हुआ, सोच सुशीला पापिनी मन में करे विचार, शीश काटवे कुमर को सोहे गई वो तैयार। जो गांव वाले प्रसन्न होने लगे, दान बट रहा था, बाजे बज रहे, सुशीला एकदम से और विचार करने लगी कि मैं बांझ हूं, इसके पुत्र हो गया, अब तो मैं इस पुत्र को खत्म करूंगी। मेरे भगवत प्रेमियों अब क्या हुआ सुनो, कि बहुत बार करती है पापिन जतन। रामवीर भैया अब तो वो पापिनी महल में छुप गई, सोचने लगी कि अब तो मैं किस प्रकार से इस पुत्र को मारूं। देखिए मेरे भगवत प्रेमियों कहां तो वो संतान के लिए तड़प रही थी, जो कि सुधामा की दूसरी शादी करवा दी, और जब पुत्र पैदा हो गया तो अब जलने लगी और उसे मारने के लिए तैयार हो गई। कैसे भैया सुनो, बहुत बारिश करती है पापिन जतन। बहुत प्यार करती है पापिन जतन, आज मेरे भगवत प्रेमिया वो तो पुत्र को मारने के लिए तुल गई और क्या किया भैया, बहुत बार करती है पापिन जतन। आज मेरे भगवत प्रेमिया वो छुप करके महल में कटारी लेकर के देख लिया कि सब सो गए, पलना में जो झूल रहा था, आज मेरे भगवत प्रेमी वो पापनी पलना के पास पहुंच गई और क्या किया, पलना में सोते सो पत के प्यारो, बहुत बार करती है पापिन जतन, बहुत बार करती है पापिन जतन, हाथों में कजार लेके, हाथों में कजार लेके हो गई मगन, बहुत बार करती है पापिन जतन। सोते को देखा है, आज बस सुशीला नारी ने मेरे भगवत प्रेमी और कटारी से उस पुत्र का सिर काट डाला और क्या करो, बेटा पे एक दम गिरी है भैराई, अरे शीश काटे तयो सवलाला को,
और कुंड में डाल दिया और कुंड में डाल के और रात्रि के समय धीरे 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 लौट के आई और मेरे भगवत प्रेमियों अपने पलंग पर सो गई। इधर क्या हुआ, शीश फेंक गई कुंड में सोते पापिनी नार, अब कैसी भाई सुनो रे सकल सरदार। भैया आज उस नारी ने सिर फेंक दिया कुंड में, अब वो चली आई और मेरे भगवत प्रेमी अब आगे क्या हुआ, अपने पलंग पर सो रही थी। इधर क्या हुआ, ए बीत गई जब राती भयो प्रभात जगी सुत मैया, गई शिव की पूजा करने रे नहाते खोय अपनो छैया, आज मेरे भगवत प्रेमियों पलना को नहीं देखा धर्मावती ने। सवेरा हुआ शिव पूजने के लिए चलती है, हाथ में फूल लिए और भैया हवन सामग्री लेकर के भगवान शंकर के मंदिर के लिए चली हैं। उस बिचारी को ये नहीं मालूम था कि आज मेरे पुत्र कहां है। स्नान किया, मेरे भगवत प्रेमियों डुबकी लगाई, सो आज उसी के पुत्र का सिर उसकी गोदी में आ गया। जो एकदम से बाहों में सिर देखा धर्मावती चौंक गई है, ये क्या है, कौन हो, ये क्या हो गया। पलट के जो देखा खोपड़ी को सिर को, अपने पुत्र की शकल देखकर धर्मावती पछाड़ खा के गुर गई, हाथ पे हाथा, हा स्वामी ये क्या हुआ। अरे जे तो सीसा मेरे लाला ना, ओ स्वामी देख रही हूं, क्या मैं सो रही हूं या जाग रही हूं, ये मेरे पुत्र का सिर है। मैं सो करके खड़ी हो गई, मैंने पलना को नहीं देखा, ये तो सिर मेरे पुत्र का है स्वामी। मोये जो भेद बद
भगवान शंकर ने कहा, हे बेटी धर्मावती घबराओ मती। भैया घबराती क्यों है? शिव शंकर ने जिंदो करो सो सुंदर दीपक लालो। आज मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान शंकर ने उसी समय उसके पुत्र को जिंदा करा और मेरे भगवत प्रेमियों उस पुत्र दीपक को लेकर घर जाती है। और इधर मैं देखो मेरी कथा ये सुधामा की दूसरी शादी यहीं संपन्न होती है। बोलो राधा कृष्ण की। yeah!